वेलकम टू द चैनल दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एंड वी अलाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू अन अकेडमी एंड वी अलाइव। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूमेरिकल्स ऑफ रेक्टिफाइड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वी आर डिस्कसिंग, जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों को बता दूं, पूरा कोर्स चल रहा है, फुल कोर्स चल रहा है मेजरमेंट का, फुल कोर्स चल रहा है मेजरमेंट का। एंड टुडे इज द 28th लेक्चर on an academy platform that is creatrix youtube channel. So welcome everybody those who are live. If you are just hopping in, jaldi se live aa jao yaar, fatafat se live aa jao. So let's crack it guys, and the topic is rectifier type of instruments. aaj hum baat karne wale rectifier type of instruments ki, aur aaj hum pura session numerical based lenge. aaj pura session numerical based hoga rectifier type instruments mein, half wave ke numerical, full wave ke numerical, pmmc aur operational amplifier ke sath mein kaise kaam karte hain, सारे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। प्रणाम बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी दोज़ हु आर लाइव, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी दोज़ हु आर लाइव। तो जल्दी आ जाओ यार, फटाफट से, 11:02 हो गए हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। तो आज हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे रेक्टिफायर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में। और जब न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात किस किस से करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम आता है हाफ वेव और फुल वेव में, ऑप एम में कैसे काम आता है। सर वॉच योर प्रीवियस वीडियोस यू फॉर मेकिंग मेजरमेंट सो इजी, लव यू सर। हर्षित पांडे, थैंक यू सो मच यार फॉर रिव्यूज इन दिस चैनल। तो जल्दी से यार बच्चे लाओ, फटाफट इसको शेयर कर दो। शेयर करने के लिए आपको बताइए, लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे वॉल पर पोस्ट कीजिए। तो हम न्यूमेरिकल्स की आज बात करने वाले हैं रेक्टिफायर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ये ईसी का भी आपको पता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट इलेक्ट्रिकल का भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी है। और जिनकी ब्रांच ट्रिपल ई है बच्चों, यूपी में कुछ कॉलेज है जिनकी ब्रांच ट्रिपल ई होती है, उनके लिए बता दूं ये सेशन उन सबके लिए है, ये सेशन सब लोगों के लिए है जिनको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना है। तो ये एनालॉग प्लस ऑप एम्प का टॉपिक हो गया, एक तरीके से एनालॉग का टॉपिक हो गया मेजरमेंट के साथ में। तो ये टॉपिक हो गया बेटा मेजरमेंट प्लस ऑप एम्प, ये टॉपिक हो गया बेटा मेजरमेंट प्लस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप एम्प का यूज करके हम आज न्यूमेरिकल कैसे करेंगे पीएमएमसी के और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के। चलिए ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड इट्स अ सरप्राइज एंड इट्स अ नोटिफिकेशन फॉर यू गाइस। यू नो अनअकैडमी के वीडियो 20 करोड़ बार देखे जाते हैं, आपके अनअकैडमी के वीडियोस बेटा 20 करोड़ पीपल आर वाचिंग अनअकैडमी वीडियोस इन अ मंथ। 20 करोड़ लोग अनअकैडमी के वीडियो डेली देख रहे हैं, मंथ में देख रहे हैं, हर मंथ 20 करोड़ पीपल आर वाचिंग, 20 करोड़, 200 मिलियन, यानी 20 करोड़ पीपल आर वाचिंग अनअकैडमी वीडियोस इन अ मंथ। 67 लाख लोग अनअकैडमी के वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं, और आप भी उनमें से एक हो, ठीक है, आप भी उन लोगों में से एक हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यार देखो, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस पर ये 12 महीने का, देखो मैं गेट 2021 की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं गेट 2022 की और मैं बात कर रहा हूं गेट 2023 की। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में है और जो बच्चे थर्ड ईयर में है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, जो सेकेंड ईयर में है या जो थर्ड ईयर में है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ बच्चों। तो अगर 2022 का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस पर, तो जो अमाउंट है बेटा वो है 27,225 रुपए। 27,225 में थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, दोज हु आर टारगेटिंग फॉर गेट 2022, आप लोग आ जाइए। 27,225 रुपए में प्लस का सब्सक्रिप्शन है, 27,225 इज द अमाउंट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड लगाना बेटेगा बेटा, प्रमीट 10 इज द कूपन कोड। अगर आप प्रमीट 10 कूपन कोड लगा देते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। सेकेंड ईयर वाले बच्चे जिसको बोलते हैं हम फाउंडेशन बैच, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बैच या प्री फाउंडेशन बैच भी बोल देते हैं इसको। गेट 2023 का प्लस पे कोर्स लॉन्च होने वाला है, लेकिन 24 मंथ्स की जो फीस है सेकेंड ईयर के बच्चे, ध्यान रख लेना बच्चों, आपके सेमेस्टर में भी बहुत काम आने वाला है। 39,600 इज द अमाउंट। तो इफ यू वॉन्ट 100% सक्सेस इन योर गेट एग्जामिनेशन, इन योर ईएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, इन योर ईएससी एग्जामिनेशन, इन योर गेट एग्जामिनेशन 100% सक्सेस चाहिए बच्चों, तो 27,225 रुपए फीस है गेट 2022 के लिए, और 2023 के लिए फीस है बेटा 39,600 इज द फीस, 39,600 इज द फीस। तो जल्दी से लगाओ यार, और कोड लगा दो प्रमीट 10। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यार जितने भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं उनको बता दूं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो,
जब आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपसे वो बोलेगा कूपन कोड लगा दो डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना है, फॉरगेट 10% डिस्काउंट ऑन एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू यूज द कोड प्रमीत10। यू कैन यूज द कोड गेट लाइव ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो माई कोड गेट लाइव। सो हैशटैग गेट लाइव डेली, यू नो दैट हमारी गेट की रोज क्लासेस होती है, इसलिए हैशटैग का नाम दिया हुआ मैंने गेट लाइव डेली। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, लेट्स कम टू द कोर्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। यार कोर्स तो जब खत्म होगा तभी खत्म होगा, क्योंकि रोज एक घंटे की क्लास हो रही है यार विशाल। तो अगर आप फटाफट से कोर्स करना चाहते हो विशाल, तो यार अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, मेजरमेंट पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे चल रहा है, और वहां पे कोड लगा देना प्रमीत10। ये जो कोड दिख रहा है आपको राइट साइड में प्रमीत10, ये कोड लगा देना। अनअकैडमी ऊपर हैशटैग चल रहा है गेट लाइव डेली, ध्यान से देखना गेट लाइव डेली, और कोड लगा देना प्रमीत10। ठीक है, कोड लगा देना प्रमीत10, तो ये कोड लगा देना, वहां पे आप पूरा मेजरमेंट का सिलेबस फटाफट से कर लोगे। ठीक है, पूरा सिलेबस वहां पे आराम से देखेगा। चलो यार न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, ये गेट 2002 का न्यूमेरिकल है, जल्दी से आ जाओ। गेट 2002 का न्यूमेरिकल है, रेक्टिफायर टाइप पीएमएमसी वोल्टमीटर। ठीक है, अब मैं स्प्लिट शो कर रहा हूँ क्योंकि हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल से 6-7 वो न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे डायनेमोमीटर वोल्टमीटर। चलिए, रेक्टिफायर टाइप पीएमएमसी वोल्टमीटर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 20 किलो ओम पर वोल्ट, अ रीडिंग ऑफ 4.5 इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेजरिंग अ वोल्टेज सोर्स विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑन इट्स 5 वोल्ट स्केल। Now, पूरा स्केल कितना भी था, 5 वोल्ट का स्केल है, और वो रीडिंग कितनी मेजर कर रहा है, 4.5 वोल्ट। अब मान लो उसने कहा कि स्केल 10 वोल्ट पे चेंज हो गया, व्हेन द स्केल इज चेंज टू 10 वोल्ट, 5 वोल्ट से कितना हो गया है 10 वोल्ट। तो यही पीएमएमसी जिसकी सेंसिटिविटी 20 किलो ओम पर वोल्ट है, रीडिंग कितनी दे रहा है 6 वोल्ट। तो एक बार तो पीएमएमसी रीडिंग दे रहा है 4.5 वोल्ट जब स्केल कितना है बेटा 5 वोल्ट का, एक बार पीएमएमसी रीडिंग दे रहा है 10 वोल्ट जब स्केल कितने का है 6 वोल्ट का। तो आपको उस वोल्टेज और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, determine the value of voltage and its internal resistance. ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स आपको दे रखा है उस वोल्टेज की वैल्यू बतानी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, तो कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कैसे आंसर आएगा। चलिए तो एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक पीएमएमसी लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है उसके साइड में एक पीएमएमसी लगा हुआ है, तो आपको बस सॉल्व करना है और आंसर मुझे बता देना है। तो जल्दी से डायग्राम बनाओ, कैसे डायग्राम बनेगा इसका थोड़ा सा इमेजिन करो। देखो यार बहुत आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल कॉमन सेंस का काम है, पीएमएमसी लगाओ और काम हो जाएगा, पीएमएमसी थोड़ा सा लगाओ और काम हो जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गुड मॉर्निंग अतुल त्यागी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेंकट मंडाई, वेलकम एवरीबडी, दोज वाला आई यार, वेलकम वेलकम वेलकम। हर्षित बोल रहा है कि सर मैंने ऑप एम नहीं पढ़ा है, तो ऑप एम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल बिना ऑप एम के, ऑप एम की सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज करनी है, अपन को ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो देखो ये आपका लग रहा है बेटा पीएमएमसी, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना मेरे बच्चों, ये लग रहा है पीएमएमसी, ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, ये आपका लग रहा है पीएमएमसी वोल्टमीटर। निकुंज पटेल, गुड मॉर्निंग निकुंज, हाउ आर यू, ये लग रहा है बेटा आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी वोल्टमीटर। ठीक है, इसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है, तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज सोर्स का, और उसका एक बैटरी होता है वीएस। अरे वोल्टेज सोर्स ऐसे ही तो होता है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स एंड कनेक्टेड विद द वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टेज सोर्स, यही तो डायग्राम है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस आरएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस वीएस की कैलकुलेट करनी है, और इस पीएमएमसी वोल्टमीटर के लिए सेंसिटिविटी कितनी रखी है 20 किलो ओम पर वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस 20 किलो ओम पर वोल्ट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस पीएमएमसी वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दे देगा नहीं दे देगा, दे देगा। अगर मैं इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा ये। ठीक है, तो एक एक करके काम करते हैं, एक एक करके बातें करते हैं। आरवी क्या है बेटा यहाँ पर, That is the resistance of voltmeter. ठीक है, resistance of voltmeter. Second thing is दोस्तों RS. RS क्या है बेटा, internal resistance of the voltage source, battery. Internal resistance. ठीक है, voltage source का, और VS क्या है आपका यहाँ पे, voltage source, battery जो भी है। अब बात समझ रहा, एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको
वोल्ट स्केल लेना है मैक्सिमम, और वहां पे रीडिंग कितनी आ रही बेटा 4.5 वोल्ट, किसकी, वोल्ट मीटर की। एक बार आपको 10 वोल्ट का स्केल लेना है और रीडिंग कितनी आ रही है 6 वोल्ट। तो केस नंबर वन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। केस नंबर वन फॉर 5 वोल्ट स्केल, अगर 5 वोल्ट का स्केल लेते, मेरी बात समझना, 5 वोल्ट का स्केल लेते तो रेजिस्टेंस, पहले तो रेजिस्टेंस निकालो वोल्ट मीटर का। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है वोल्ट मीटर का तो कैसे निकालोगे, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है वोल्ट मीटर का तो कैसे निकालोगे, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज गिवन बाय, ये सेंसिटिविटी कितनी है वोल्ट मीटर की, मल्टीप्लाई बाय रेंज, तभी तो रेजिस्टेंस आएगा। 20 किलो ओम पर वोल्ट को जब वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो रेजिस्टेंस आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 × 10 दैट इज 100 किलो ओम। तो अभी रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके रेंज पर, किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम रेंज पर, किस पे डिपेंड करता है बेटा, मैक्सिमम रेंज पर। ठीक है ना, बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसी में वोल्टेज डिवाइड रूल लगा लो, आरएस और आरवी सीरीज में है, अगर आपने वोल्टेज डिवाइड रूल लगाया तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आराम से। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड रूल लगाओगे तो क्या लिखोगे, आरवी अपॉन आरवी प्लस आरएस इनटू वीएस। तो आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज गाइस, तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइड रूल RV और RS सीरीज में है, तो अगर आपको RV का वोल्टेज निकालना है, इस वोल्टमीटर का वोल्टेज कितना मान लिया अपन ने, वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्टमीटर इज VV, वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टमीटर इज VV, और वो कितना रीड कर रहा है बेटा, 4.5 वोल्ट, जब स्केल कितना है 5 वोल्ट का। तो VV इज इक्वल टू RV अपॉन RV प्लस RS इनटू टोटल वोल्टेज इज VS। तो ये रीड कितना कर रहा है बेटा, 4.5। RV की वैल्यू आपको पता है 100 के, RV आपको पता है 100 के, RS आपको नहीं पता और VS भी आपको नहीं पता, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि VS की वैल्यू 5 वोल्ट है, VS की वैल्यू 5 वोल्ट नहीं है, इस PMMC वोल्टमीटर की रेंज है 5 वोल्ट, जिसमें से वो सिर्फ 4.5 वोल्ट दिखा रहा है किसी एरर की वजह से, जिसमें से वो 5 वोल्ट में से 4.5 वोल्ट ही दिखा रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आती सबको। चलो, और आज ध्यान रखना क्लास के एंड में क्विज भी होगा, तो ध्यान रखना क्विज में आना मत भूलना। और जितने भी लोग लाइव हो ना, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, जितने भी लोग लाइव आते हो सेशन को लाइक करना मत भूला करो। चलो ठीक, तो वोल्टेज डिवाइड रूल लगा दो यहां से, तो ये इक्वेशन नंबर वन हो गई दोस्तों। चलो अब केस नंबर टू पे आ जाओ, केस नंबर टू क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा है मेरी भी सुनो तो उसकी भी सुन लो भाई। केस नंबर टू बोल रहा है कि जब 10 वोल्ट का स्केल है, क्वेश्चन में देखो जब 10 वोल्ट का स्केल है तो 6 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, जब 10 वोल्ट का स्केल है दोस्तों तो 6 वोल्ट ऑब्टेंड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर अब चेंज हो जाएगा, सेंसिटिविटी इनटू रेंज, ये रेंज है ना, ये वी क्या है, रेंज। तो सेंसिटिविटी आपकी कितनी है, 20 किलो ओम पर वोल्ट, और अब रेंज क्या है 10, तो अभी हो गया 200 किलो ओम, अब आपका रेजिस्टेंस 200 किलो ओम हो गया। तो वापस से वही यूजिंग वोल्टेज डिवाइड रूल गाइस, वोल्टेज अक्रॉस द वोल्ट मीटर इज आरवी अपॉन आरवी प्लस आरएस इनटू वीएस। तो आरवी कितना है बच्चों, 200 के, और आरएस कितना है नहीं पता, वीएस नहीं पता, और वीवी कितना है, वीवी की वैल्यू आपको पता है 6 वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही है 6 वोल्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को आपस में डिवाइड कर दो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। There are two equations and there are two variables. It can be easily solved. दो equation है, दो variable है, आराम से solve कर लोगे ना बच्चों। चलो, तो करके बताओ। तो equation number one को equation number two से divide कर दो। This will become 4.5. This will become 100K divided by 100K plus RS into VS divided by, this is 6, this is 200K divided by, मुझे जल्दी से आंसर बता दो ABCD option में से क्या आएगा। तो VS VS कैंसिल आउट, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 200 के ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो सॉल्व कर लो और मुझे फटाफट से आंसर बता दो। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो, एबीसीडी ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बता दो। क्वेश्चन आपने कॉपी में लिख ही लिया होगा, मैंने काफी टाइम दिया था लिखने के लिए, बताइए जल्दी जल्दी बता दो। यहां से आरएस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आरएस की वैल्यू कैलकुलेट करके किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो और वीएस की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से सॉल्व करो, 4.5 डिवाइड बाय 6, 100K डिवाइड बाय 100K प्लस आरएस इनटू 200K
प्लस आर एस डिवाइड बाई 200 के, सो दिस इज 100 इंटू 2, तो वो 9 हो जाएगा, 4.5 इंटू 2 इज 9, सो द आंसर इज 9 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 200 के प्लस आर एस डिवाइड बाई 100 के प्लस आर एस. नाउ दिस इज 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से. आर एस की वैल्यू बता दो यार, आर एस की वैल्यू 100 की आ रही है क्या? निकुंज पटेल, या निकुंज पटेल इज राइट, 100 के इज द वैल्यू ऑफ आर एस, आराम से आ जाएगा ना. 300 माइनस 4, तो 400 माइनस 100 इज, दैट इज 400 माइनस 300 इज 100 डिवाइड बाय 1, सो आर एस इक्वल्स टू 100 के. यहां से कैलकुलेट कर लेना है, आर एस की वैल्यू यहां से आ रही है 100 के. मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कैसे आ रही है, ठीक है. चलो अब इस आर एस की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 या 2 में, तो आंसर आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. संदीप साहा, 9 वोल्ट इज द राइट आंसर, यस. अतुल त्यागी, 100 के इज द राइट आंसर. राज प्रजापति इज ऑल्सो राइट, संदीप इज ऑल्सो राइट. तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. एक पेज चाहिए मुझे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 गाइस, दैट इज 6 इज इक्वल्स टू 200 के अपॉन 200 के प्लस आर एस इनटू वी एस. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, आर एस इज व्हाट, 100 के इनटू वी एस. ये आर एस की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पर, ठीक है. तो वी एस कैलकुलेट हो जाएगा, तो 6 बिकम 200 डिवाइड बाय 300 इनटू वी एस, सो दिस इज 6 3 18 डिवाइड बाय 2, दैट इज 9 वोल्ट. ओके गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 9 वोल्ट एंड 100 के, 9 वोल्ट एंड 100 के इज द आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों. हाँ बेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को पढ़ना है, मूविंग आयरन भी पढ़ना है, पीएमएमसी भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, ठीक है. टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आ गया ना, जहां पे लिखा है वोल्टमीटर और एमीटर, इसका मतलब आपको पीएमएमसी भी पढ़ना है, रेक्टिफायर भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ना है, मूविंग आयरन भी पढ़ना है, डायनामोमीटर भी पढ़ना है. जहां एमीटर और वोल्टमीटर लिखा हुआ है उसका मतलब पीएमएमसी और मूविंग आयरन पढ़ना ही है ना. ये कौन सी बात हुई, ये तो बहुत बेसिक सी बात है रजत राम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. गेट 2004 का क्वेश्चन है, गेट 2004. कम गाइस, 2 मार्क का क्वेश्चन है और डायग्राम आपको थोड़ा सा बना के पहले से दे रखा है नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है. चलो, आइडियल डायोड हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 ओम 100 मिली एम्पियर सेंटर 0 पीएमएमसी रेजिस्टेंस. यानी इस एमिटर में, इस पीएमएमसी मीटर में करंट बह रहा है 100 मिली एम्पियर और इस पीएमएमसी मीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम, ठीक है. द मीटर विल रीड, मीटर क्या रीड करेगा, मीटर रीड क्या करेगा बताओ, मीटर क्या रीड करेगा. इसका मतलब मीटर तो एवरेज वैल्यू रीड करता है ना, पीएमएमसी रीड क्या करता है बेटा, डीसी वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू. तो मुझे बताओ पीएमएमसी की डीसी वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू कितनी होगी भाई. हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो साइन वेव फ्लो हो रही है भाई, साइन वेव है उसकी मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, पर मुझे तो डीसी वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो डीसी वैल्यू चाहिए ना, ठीक है. तो देखो वैसे तो क्वेश्चन में आपको नेगेटिव साइकिल के लिए एग्जांपल दे रखा, समझना बात, ये माइनस प्लस बना के दे रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि नेगेटिव साइकिल है. अगर आप पॉजिटिव साइकिल ले लेते तो क्या होता, नेगेटिव साइकिल तो क्वेश्चन में बना के दे ही रखा है, ठीक है. तो बात समझना, इसी क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, समझना. इस पीएमएमसी मीटर के लिए आपको 100 मिली एम्पीयर करंट दे रखी है और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम. अगर यही क्वेश्चन पॉजिटिव साइकिल में ले लेते आप, ये तो क्वेश्चन में आपको करंट का डायरेक्शन बना के दे दिया, नहीं दे रखा होता तो क्या करते, पॉजिटिव साइकिल में आप क्या मान लेते हैं, सुन लेना जिन लोगों को समझ में नहीं आता पहली बार में समझ लो. तो ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव साइकिल का केस आपको कंसिडर करके नहीं बता रहा, वो भी बता देता हूँ. देखो एक बार समझ लो, पता तो होना ही चाहिए. पॉजिटिव साइकिल में ये रहा डायोड आपका, ये मीटर, ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी, ये आपका सोर्स. तो ये तो आपका सोर्स है ही, दैट इज 100. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है बेटा, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. और यहाँ पे 990 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मीटर है और ये डायोड है. ठीक है, अब समझना बात को, समझो बेटा. अभी तो बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, डायनामोमीटर, वाटमीटर बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर, डीसी ब्रिजेस, वाटमीटर मेथड, 3 वाटमीटर मेथड, 2 वाटमीटर मेथड, आपका सीआरओ बचा हुआ है, सीआरटी बचा हुआ है, सब कुछ बचा हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है. इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बचा हुआ है, एनर्जी मीटर बचा हुआ है, हाँ ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पूरे एसी डीसी ब्रिजेस सब बचे हुए हैं ना. रोज एक घंटा ही तो मिलता है हमें पढ़ने के लिए,
अब जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि क्रिएटर्स की टीम आपको हेल्प कर रही है, बस आपको रोज आओ यहाँ पे बने रहना है, तो वो तो बच्चे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, रजत राम ने बोला है -31.8, देखते हैं बेटा एक बार देखते हैं। ठीक, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव साइकिल में ये प्लस और ये माइनस, ध्यान से समझ लेना, मेजरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग डायोड के साथ में, ये प्लस माइनस। तो पॉजिटिव साइकिल का मतलब करंट यहां से जाएगा, तो करंट जब यहां से जाएगा तो मुझे बताओ ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा, सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा ना बच्चों, ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस हो गया तो सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा, मीटर में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस डायोड, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर। तो पॉजिटिव साइकिल में तो कुछ होगा ही नहीं मीटर में, नो करंट, करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, तो सारा का सारा करंट यहां से चला जाएगा। ठीक है, नो करंट फ्लोस थ्रू मीटर, देखते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है, दो मिनट रुक जाओ। ठीक है, नो करंट फ्लोस थ्रू द मीटर, क्योंकि सारा का सारा करंट यहां से पास हो गया, करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ। और क्वेश्चन में तो आपको नेगेटिव साइकिल का एग्जाम्पल डायरेक्टली दे रखा है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो नेगेटिव साइकिल के लिए दे रखा है, तो नेगेटिव साइकिल में डायोड आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, बस आपको सॉल्व ही तो करना है और क्या करना है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइकिल के केस में, देखो बच्चों केस नंबर टू, इन केस ऑफ नेगेटिव साइकिल, क्वेश्चन में दे रखा है कि नेगेटिव साइकिल है, क्योंकि क्वेश्चन में पोलैरिटी बना के दे रखी है ना, तो आप बना लो, देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है, यह ऐसे है, यार मैंने नोट किया जब मैं पढ़ाता रहता हूँ ना, तो क्या होता है कुछ बच्चे आते हैं और वो अपना थोड़ा सा क्या है कि उनको कुछ पता होता है ऑलरेडी, तो वो लोग आगा के क्या करते हैं, टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, वो टीचर को डिस्टर्ब कैसे करते हैं, वो बताते हैं कि हमें आता है, उससे क्या होता है एजुकेटर को लगता है हर बच्चे को आता है, उससे एजुकेटर को भ्रम हो जाता है कि सब बच्चे को आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, इसलिए मैं सारी चीजें बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता है या नहीं आता है, मेरा काम यह है कि मैं आपको सब कुछ लिखा के दूं, यहाँ पर सब कुछ लिखा के दूं, तो अगर आपको आता है, मान लो पूरे 20 या 24 बच्चों में से 3 बच्चों को सब कुछ आता है, तो वो क्या करेंगे, क्लास में बार बार आएंगे और हर बच्चे को ऐसा लगेगा कि यार मुझे नहीं आता, ये तो आंसर बता पा रहा है, जो नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज बच्चा होता है, उसको लगता है यार इसको तो आ रहा है मुझे नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, उसको कुछ 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको भी कुछ 8 क्वेश्चन आते होंगे, तो इससे आपको डरने की बात नहीं है, डिप्रेस होने की बात नहीं। ठीक है, चलो अब देखो समझ लो नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या है, यहाँ तो आपका था ही 100 sin 314 t, इसका मतलब नेगेटिव साइकिल का मतलब यह है कि बेटा आप ये दे रहे हो यहाँ पर, देखो समझ लो नेगेटिव साइकिल, -100 क्या दे रहे हो, -100 ये वाला पार्ट, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो करंट अब ऐसे बहेगा, क्वेश्चन में भी ये दे रखा है, और ये पी और एन है, तो डायोड ऑफ सर ऑफ की तरह काम करेगा, डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा ना, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा, डायोड आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, तो सारा करंट मीटर में से चला जाएगा, तो डायोड ऑफ है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा बच्चों। ठीक है, तो सारा का सारा करंट यहाँ मीटर में से पास हो जाएगा, लेकिन मीटर तो डीसी वैल्यू देता है ना, मीटर तो डीसी वैल्यू दे रहा है, ये जो 100 मिली एम्पीयर ये तो वीएम दे रखा है, अरे ये जो 100 है ये तो वीएम की वैल्यू है, 990 जो है ये रेजिस्टेंस हो गया और 10 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे करंट निकालता आईएम यानी मैक्सिमम करंट, तो मैं क्या लिखता वीएम अपॉन ये सीरीज रेजिस्टेंस है 990 प्लस मीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10 ओम, तो मैं लिख देता 10 ओम। ठीक है, ये Vm है आपका 100, ये इंस्टेंटेनियस है ना, तो Vm की वैल्यू कितनी 100 डिवाइड बाय दिस इज 1000, सो दिस इज 100 मिली एम्पियर, और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि यहाँ पे जो करंट है वो 100 मिली एम्पियर बह रही है, ये कौन सी करंट है बेटा मैक्सिमम करंट, ये कौन सी है मैक्सिमम, ये किसका केस है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो आपको पता है पीएमएमसी जो है वो डीसी वैल्यू रीड करता है, पीएमएमसी रीड्स ओनली डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू, और हाफ वेव रेक्टिफायर का केस है तो जो आईडीसी होता है या आप आई एवरेज लिखते हो वो क्या लिखते हो बेटा आई एम बाय पाई, आई एम आपका कितना है यहाँ पर, अब देखो ये 100 समझो बात को, ये नेगेटिव का केस है तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि ये -100 होता है, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल के बता दिया आपको, लेकिन अगर आप देखो नेगेटिव साइकिल में तो ये -100 होता है ना, तो -100 डिवाइड बाय पाई, सो आंसर विल कम आउट -31.83 मिली एम्पियर, इट रीड्स डीसी वैल्यू गाइस, तो आंसर इज -31.8, क्लियर है, एनी डाउट इन दिस, तो पीएमएमसी रीड्स डीसी वैल्यू और यू कैन कॉल इट एज एन एवरेज वैल्यू।
तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको इतने सारे डायग्राम बनाए, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि आईएम की वैल्यू 100 मिली एम्पीयर है, सिर्फ आपको आईएम बाय बाय करना था, आंसर डायरेक्टली आ जाता। लेकिन जिन बच्चों को पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए मैंने पॉजिटिव साइकिल भी बना के बताया, नेगेटिव साइकिल भी बना के बताया, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कि नेगेटिव साइकिल है, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से एवरेज निकाल सकते थे, दैट इज आई एम बाय पाई, और नेगेटिव करते थे उसको 100 मिली एम्पीयर डिवाइड बाय पाई, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंसर तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेगेटिव साइन हर्षित पांडे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में तो करंट ऊपर होता है, तो आप आईएम को पॉजिटिव लेते हो, अभी आप क्या लोगे -100, तो -100 का मतलब है आपको आईएम को -100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो आईएम के बराबर है, अरे यही तो आईएम है अभी, नेगेटिव पी। ठीक है, बस इतना ही मतलब है और कुछ नहीं। वैसे मैग्नीट्यूड में तो आंसर 31.83 आ रहा है, पर क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कहाँ से आ, ये तो डिजिटल का क्वेश्चन है यार, ये कहाँ से आ गया, चलो आ गया तो बता देता हूँ, ये डिजिटल का क्वेश्चन है, ये देखा है क्या तुमने कभी, 2006 का क्वेश्चन है, वोल्टमीटर लिखा हुआ है, तो बच्चों को लगता है मेजरमेंट, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन भी है, डिजिटल का क्वेश्चन भी है, वैसे तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे वोल्टमीटर लिखा है तो बच्चों को लगता है भाई मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ये गेट 2006 का क्वेश्चन है, कोई बताएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, वैसे तो रेजोल्यूशन दे रखा है, डायनेमिक रेंज बतानी है, रेजोल्यूशन दे रखा है, डायनेमिक रेंज बतानी, कोई बताएगा फॉर्मूला, डायरेक्टली पढ़ाओ तो, सेट्रा में भी दे रखा है फॉर्मूला, किसी को पता है, अब वोल्टमीटर है रेंज 4 वोल्ट टू 20 वोल्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ 1 मिली वोल्ट, डायनेमिक रेंज क्या होगा बेटा, कोई बताना चाह रहा है डायनेमिक रेंज क्या होगा, जल्दी से बता दो बच्चों, डायनेमिक रेंज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है चलो बताओ 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 फटाफट से बता दो दोस्तों, यार और सेशन को लाइक करना मत भूला करो, जितने भी लोग लाइव आते हो सेशन को लाइक करना कभी मत भूलना, वैसे तो ये डिजिटल का क्वेश्चन आ गया है, अब डिजिटल का क्वेश्चन आ गया है तो उसको कर दो, जितने भी लोग लाइव आते हो कभी भी ऐसा मत करना, सेशन को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इससे इंपॉर्टेंट काम दुनिया में कुछ नहीं है। ओके यार देखो ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें डायनेमिक रेंज का फॉर्मूला ओटीओ 20, व्हाट इज दिस ओटो 20, व्हाट यू राइट, व्हाट यू टाइप, what are you typing Karuna Singh, I don't know, OTO 20 means what, so dynamic range, this is the direct formula in terms of resolution, ये formula digital में पढ़ा होगा यार आपने, 20 log range, range का मतलब 20-4 divide by 10^-3 divide by this resolution कितना है 1 millivolt यानी 10^-3, इसको solve कर लो, इसको solve करोगे तो answer आएगा 84 dB, directly आप ऐसा कर सकते हो, this is the direct formula, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा डायनेमिक रेंज, दैट इज लॉग ऑफ 20-4 जो भी रेंज आ रहा है डिवाइड बाय रेजोल्यूशन, उसका 20 लॉग ले लो और कुछ नहीं करना, 84 dB डायरेक्टली आंसर है। ठीक है, 84 dB डायरेक्टली आंसर है, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं, डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, डायनेमिक रेंज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और दूसरा तरीका भी है, ये तो पहला मेथड है, एक और मेथड होता है डिजिटल में, मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कैलकुलेट करने का, सेकंड मेथड क्या है, डायनेमिक रेंज होती है उसका फॉर्मूला था 6n, तो रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा डिजिटल में, रेंज अपॉन 2^n, रेंज अपॉन 2^n, 2^n क्या होते हैं लेवल्स, तो रेंज क्या है बच्चों 20-4 और 2^n, रेजोल्यूशन कितना है 1 मिली वोल्ट, इसको सॉल्व करो, 2^n कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 1 मिली वोल्ट यानी 10^-3 1 मिली वोल्ट, तो ऊपर हो गया 16,000, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n log 16,000 टू द बेस 2, ये तो सबको पता ही होगा, तो n की वैल्यू यहां से आएगी 13.96, इसको आप 14 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 14 अप्रोक्सीमेटली, और डायनेमिक रेंज का फॉर्मूला होता है, डायनेमिक रेंज का फॉर्मूला होता है 6n, डायनेमिक रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा 6n, तो 6 × अप्रोक्सीमेटली 14, द आंसर इज 84 dB। ठीक है, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, तो वैसे तो मैं आपको बोलूंगा ये फॉर्मूला आप याद रखो, डिजिटल में क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया, वैसे डिजिटल का पार्ट है। ठीक है चलो, वैसे ये डिजिटल का पार्ट है, मेजरमेंट का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आ गया एकदम से टाइप फॉर्म में, तो फिर बता देना चाहिए बच्चों को, 2006 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अब देखो ये दे दिया आपको फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये आपको दे दिया है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा रखा है और यहां पर एसी इनपुट दे रखा है। दोस्तों देखो 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 क्वेश्चन को, ये 2000 कब का क्वेश्चन है कोई बताएगा? ये 2006 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 2006 का क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स का। चलो बताओ, आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट दे रखा है बच्चों, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा रखा है और एसी इनपुट सप्लाई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एन एसी वोल्टमीटर यूज्ड द सर्किट शोन बिलो वेयर द पीएमएमसी यूजेज है, ये यूज नहीं होगा, यूजेज द सर्किट शोन बिलो वेयर द पीएमएमसी मीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो मीटर का रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? 100 ओम एंड रिक्वायर्स अ डीसी करंट ऑफ 1 मिली एंपियर। यानी यहां पे जो करंट बह रहा है मीटर में आई एवरेज या आई डीसी वो कितना है? 1 मिली एंपियर। ठीक है, इस मीटर के लिए बात कर रहे हैं। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी जब मीटर पूरा राइट में है उस समय करंट कितना है? 1 मिली एंपियर। सारे डायोड्स हमने आइडियल मान लिए, अज्यूम द डायोड्स टू बी आइडियल। दोस्तों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएस सीरीज रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 100 वोल्ट एसी आरएमएस। तो यहां पे आपको इनपुट में दे रखा है 100 वोल्ट RMS, क्या दे रखा है? 100 वोल्ट RMS अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल। तो RS की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सारे डायोड आइडियल हैं और मीटर के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है, मीटर में जो करंट बह रहा है डीसी वैल्यू वो भी आपको दे रखा है और आपको RS की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। बताओ, करो करो करो, कैसे करेंगे? मेरे भाई जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। पीएमएमसी जो है वो डीसी वैल्यू रीड करता है, सबको मालूम है। बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 89.8, राज प्रजापति से 89.9 आंसर है। चलो एक बार देखते हैं। लेट मोर पीपल दोज वर जस्ट हॉपिंग इनटू द चैनल, अभी आप अभी अगर चैनल पे आए हो दोस्तों, अगर अभी अभी जस्ट चैनल पे आए हो तो एक काम करो, फटाफट से चैनल को लाइक कर दो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ उसका क्या होगा। यार इतने टाइम बाद आप बताओ, 2 महीने बच रहे गेट के एग्जाम के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना सेमेस्टर में जाएगा, तो अब तो तुम्हें आंसर बतानी चाहिए यार। अब तो क्वेश्चन देखते ही आंसर रटा हुआ होना चाहिए, जैसे लोगों को रटा हुआ है। अब तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए। आप तो 6 महीने से क्रिएटर्स चैनल पे पढ़ रहे हैं, आप लोग तो 6 महीने से पढ़ रहे हो। और ये क्वेश्चन तो मैंने जो सीरीज कराता था, मैं एमएसक्यू की सीरीज या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां पे करा चुका हूं यार, तुम वहां पे भी कराते थे तुम लोग। सद्दाम एंड राज प्रजापति आर सेइंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो एक बार चेक करते हैं, लेट्स चेक आउट, लेट्स चेक आउट। बाकी किसी को बताना है तो फटाफट से बता दो यार, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बता दो जितने भी लोग लाइव हो। हर्षित, अच्छा हर्षित ने पहले बोला था नहीं पता सर, अच्छा अभी नहीं बोल रहा, पहले बोल रहा था नहीं पता। चलो संदीप इज राइट, सद्दाम इज राइट, राज प्रजापति इज ऑल्सो राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर गाइस। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा दोस्तों। कैसे होगा? सिंपल, देखो आपको अगर रेक्टिफायर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आंसर निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नॉर्मल सी बात है यार बेटा, पॉजिटिव साइकिल मान लो ऐसा है तो करंट कैसे जाएगा? करंट इस आरएस में से जाता, फिर इस डायोड में जाता, फिर इस पीएमएमसी मीटर में जाता, समझना बात को, फिर मीटर में से इधर आता और इधर चला जाता, यही तो डायरेक्शन है करंट का। ऐसे ऐसे फिर ऊपर, फिर इस पीएमएमसी में जाता, फिर ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे चले जाता, ऐसे जाता, ये दोनों डायोड शॉर्ट हो जाते, ये दोनों डायोड ओपन हो जाते, ऐसी तो कंडीशन थी। ये वाला डायोड ऑन हो जाता आपका, ये वाला, और ये वाला भी ऑन हो जाता, ये दोनों ऑन हो जाते और ये ऑफ हो जाता पॉजिटिव साइकिल। तो करंट कैसे बहती? जो ये करंट बह रही है इसका नाम क्या होता बेटा? आईएम। करंट बह रही थी इसका नाम क्या होता? आईएम। ये कौन सी करंट है? डीसी। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरी बात समझ लो, इनपुट आपको आरएमएस दे रखा है, तो वी आरएमएस क्या होता है बच्चों? वीएम बाय रूट टू होता है, नहीं होता है? इनपुट के लिए बात कर रहा हूं, वी आरएमएस क्या होता है? वीएम बाय रूट टू। तो वीएम क्या हो जाता बच्चों? रूट टू वी आरएमएस। प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम करंट को लिखते हो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो अगर करंट एवरेज है तो वोल्टेज भी एवरेज होगा, अगर करंट आरएमएस है तो वोल्टेज भी आरएमएस होना चाहिए, और करंट अगर मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर तुम्हारा करंट जो है वो मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होना चाहिए,
और करंट अगर तुम्हारा एवरेज है तो वोल्टेज भी एवरेज होना चाहिए, करंट अगर आरएमएस है तो वोल्टेज भी आरएमएस होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर जब तुम आईएम लिखोगे अब तो क्या लिखोगे, देखो अब आईएम लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, आईएम को वोल्टेज, वोल्टेज कितना है वीएम अपॉन ये सीरीज में रेजिस्टेंस क्या है आरएस, डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मीटर का रेजिस्टेंस कितना है आरएम, यही तो करंट होगी या नहीं होगी पहले बताओ, ये करंट आईएम है जो रेजिस्टेंस में से बहेगी आरएस में से, यही करंट डायोड में से फ्लो होगी और यही करंट मीटर में से फ्लो होगी, और ये जो आईएम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू जिसको आप बोलते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू जो करंट है ये वो है। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही है। एक पेज चाहिए मुझे, पेज के बिना तो काम ही नहीं होगा यहाँ पे, ये पेज कैसे कम पड़ जाते हैं यार। ठीक चलो आ जाओ, अब देखो बात समझ लो, आईएम मैंने कहा वीएम अपॉन आरएस प्लस आरएम, ठीक है चलो अब समझ लेना, रेजिस्टेंस वही है जो था, अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, अगर ये डीसी होता तो ये भी डीसी होता, वीएम कितना है बेटा रूट टू वी आरएमएस, आरएस कितना है आपको नहीं पता, आरएम कितना है 100, चलो आरएमएस की वैल्यू कितनी है 100 रूट टू अपॉन आरएस प्लस 100, यही है। चलो टीएमएलसी क्या रीड करता है डीसी वैल्यू, और ये फुल वेव रेक्टिफायर का केस है, तो आई डीसी हो जाएगा या आई एवरेज हो जाएगा 2IM बाय पाई, और आपको पता है आईडीसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है बेटा 1 मिली एम्पीयर, कितना दे रखा है 1 मिली एम्पीयर बच्चों, तो इसको लिख लो ट्वाइस अपॉन पाई, व्हाट इज आईएम दोस्तों, आईएम कितना है ये रहा 100 रूट 2 अपॉन आरएस प्लस 100, एंड आईडीसी इज व्हाट 1 मिली एम्पीयर, सो दैट इज 2 अपॉन पाई 100 रूट 2 अपॉन आर एस प्लस 100। तो गाइज प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस फ्रॉम हियर, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, इससे आसान कुछ नहीं है दुनिया में, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, आप बोलो तो मैं आपके लिए कैलकुलेट भी कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है देखो आर एस प्लस 100 हो गया आपका 200 रूट 2 अपॉन पाई, ये 1 मिलियन पे नीचे जाएगा तो ऊपर जाके 10^3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो ये आएगा 90031.631, मैंने सॉल्व कर रखा था इसलिए आपको बता दिया फटाफट से, तो RS की वैल्यू हो गई 90031.631 माइनस 100, इट विल कम आउट 89931.63 ओम और 89.931 किलो ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस RS एंड दिस इज द आंसर, सो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 89.931। हाँ प्रमीत बनर्जी, तुम तो मेरे ही नाम वाले हो यार, तुम्हारा नाम भी प्रमीत है क्या, सर प्लीज टेल अ गुड बुक फॉर सेंसर्स इन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, यार इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के कोई ऐसी कोई किताब नहीं है जो उसके लिए एक सिंगल किताब आती है, क्योंकि उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर भी है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर भी है, फ्लो भी है, तो कोई एक सिंगल किताब नहीं आती, कम से कम 7-8 किताबें आती है, एक किताब से काम नहीं चलेगा। ठीक है चलो, तो 8 किताबें तो तुम अभी खरीद नहीं सकते ना, तो जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया उसको फॉलो करो और बिट्स एंड बाइट्स लगाओ और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के कोर्सेज लगाओ। ठीक है अभी इतना टाइम नहीं है कि किताबें पढ़ सको 3 महीने के अंदर, 3 months इज वेरी लेस टाइम टू रीड बुक्स गाइस, 3 महीने बहुत कम टाइम होता है किताब पढ़ने के लिए। हाँ बेटा कर सकते हैं ना, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा काम है पूरा स्ट्रक्चर आपको बताना है क्वेश्चन कराते वक्त, आप कैसे भी कर सकते हो जैसा आप करना चाहो, पर मेरा काम है आपको बेसिक कंसेप्ट बताना, फॉर्मूला जरूरी नहीं है आप याद रखो, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप समझो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो गया है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो गया, आपको समझना चाहिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये तो मैंने आपके लिए इतना सारा लिख दिया, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को लिखता ना, मैं तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को लिखता ना, आप हो साथ तो जिंदगी आसान है, हर्षित पांडे। ठीक है भैया, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं लोगों के साथ हूं और जिंदगी आसान हो जाती है लोगों। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है बच्चों, 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको दे रखा है और पीएमएमसी एमिटर आपको दे रखा है और बताया कि क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हो गया एक तरीके से,
अरे एम्पलीफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया ना ऑप एम्प के साथ में, तुमने एनालॉग में पढ़ा होगा ना, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर डायोड लगा दिए तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल हो गया ये। अब समझना बात, चलो ये भी छोड़ो, हाफ वेव रेक्टिफायर है सिंपल सा लॉजिक है, मान लो ऑप एम्प दे रखा है। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर भी छोड़ दो, चलो ये ऑप एम्प है, ये डायोड है और ये पीएमएमसी एमिटर है। नॉर्मल सी बात है, जब भी एमिटर लगाओगे उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इतना मान लो ठीक है। द ऑप एम्प बेस्ड सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यूजेस अ पीएमएमसी एमिटर विद अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। तो ये बोल रहा है कि जो मीटर है उसमें करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर। इस मीटर का करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर, डीसी करंट है वो, ये 1 मिली एम्पियर जो है इस मीटर का डीसी करंट की बात कर रहा है। और नॉर्मल सी बात है, ये ऑप एम्प है तो इसका आउटपुट ऐसा होगा, तो ये करंट ऊपर से नीचे ही बहेगा। और इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 किलो। तो उस पीएमएमसी के जो रेजिस्टेंस था आरएम, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलो। तो ये आरएम हो गया, ये कितना हो गया आरएम, 1 किलो रेजिस्टेंस किसका, कॉइल का। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 किलो। द वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज ऑफ 100 मिली वोल्ट आरएमएस। यहाँ पे आपको वी आरएमएस दे रखा है 100 मिली वोल्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप वोल्टेज आरएमएस लोगे तो करंट भी आरएमएस लेना पड़ेगा, अगर आप वोल्टेज एवरेज लोगे तो करंट भी एवरेज लेना, अगर आप पीक वैल्यू लोगे वोल्टेज की तो करंट भी पीक वैल्यू ही लेना पड़ेगा। चलो अगर यहां तक सब समझ में आ रहा है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में टाइप कर दो इजी टू लर्न। एवरीबडी प्लीज टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन इजी टू लर्न, जस्ट टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स गाइज, इजी टू लर्न इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर यहां तक आपको मेरा मेजरमेंट समझ में आया, 27 लेक्चर हो गए बेटा, अगर यहां तक आपको अगर सब समझ में आ रहा है तो जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन इजी टू लर्न। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कार्तिक पटेल ने, तो ETL, ETL कोई टीम है क्या IPL की तरह? चलो यहां पे वर्चुअल ग्राउंड लगा देंगे, हर्षित सद्दाम राज प्रजापति हार्दिक आशीष वनोदे हर्षित पांडे वेंकट मंडाई एंड एवरीबडी प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन इजी टू लर्न दोज हु आर लाइव। यार बाकी लोग भी टाइप कर दो, जितने भी लोग लाइव हो, ऑफिस में बैठे हो ऑफिस से टाइप कर दो, घर पे बैठे हो घर से टाइप कर दो, लेटे हुए हो तो भी टाइप कर दो, खाना खा रहे हो तो भी टाइप कर दो, जल्दी से टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में इजी टू लर्न एवरीबडी। जिनको मेरी आवाज लेट जा रही है, जो मेरा सेशन रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो मेरा सेशन रिकॉर्डेड देखते हैं रात को डाउनलोड करके, वो लोग भी टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट्स। चलो अब समझ लो बात को, मुझे बताओ अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ लेना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो ये मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज तो पता नहीं है क्या है, मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज तो पता नहीं है क्या, आप समझो ये वी आर एम एस है दोस्तों, 100 मिली वोल्ट कितना है वी आर एम एस। तो वी आर एम एस क्या होता है बेटा, इनपुट के लिए वीएम बाय रूट टू होता है, नहीं होता। तो वीएम यहां से मैं निकाल लूंगा, वीएम की वैल्यू क्या होगी, रूट टू वी आर एम एस। वी आर एम एस कितना है बच्चों, 100 मिली वोल्ट। तो अगर मेरी बात समझना, यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज वी आर एम एस था 100 मिली वोल्ट। अगर मैं इसको वीएम में कन्वर्ट कर लूं, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको वीएम में कन्वर्ट कर लूं तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी वी आर एम एस हो जाएगा, और अगर इस पॉइंट का वोल्टेज वीएम है तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी वीएम हो जाएगा। यही तो ऑप एम्प कहता है, ऑप एम्प क्या कहता है, अगर पॉजिटिव का वोल्टेज जितना है उतना ही नेगेटिव का वोल्टेज होगा अगर नेगेटिव फीडबैक है। तो देखो अगर मैं इसको वी आर एम एस लेता हूं तो ये भी वी आर एम एस हो जाएगा, अगर मैं इसको वी एवरेज लेता हूं तो ये भी वी एवरेज हो जाएगा, और अगर मैं इसको वीएम लेता हूं तो ये भी वीएम हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो ये वीएम है, अगर मैं इसका वी एवरेज निकालू, वी एवरेज कितना होता है बेटा, वीएम बाय पाई होता है या नहीं होता है, वी एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, वीएम बाय पाई। तो वी एवरेज निकाल लो, दैट इज 100 रूट टू डिवाइड बाय पाई। तो ये आपका वी एवरेज हो गया बच्चों, 100 रूट टू डिवाइड बाय पाई, तो ये हो जाएगा 45 मिली वोल्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझो बात, अगर ये वी आर एम एस था तो इसको वी आर एम एस लेना पड़ेगा, अब मैंने इसको वी एवरेज में कन्वर्ट कर दिया तो ये है वी एवरेज, तो ये भी वी एवरेज हो गया, तो ये पॉइंट भी क्या है, वी एवरेज। अब इस नोड पर आप लगा दो केसीएल, एक करंट नीचे एक करंट ऊपर से आ रहा है, एक करंट नीचे जा रहा है, यही तो जा रहा है। तो ऊपर से जो करंट आ रहा है उसका नाम क्या है, आईडीसी, इधर जो करंट जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस पीएमएमसी मीटर से करंट आ रहा है आईडीसी, और नीचे करंट जाएगा वी एवरेज बाय आर। IDC आपका 1 मिली एम्पियर, V एवरेज है 45 मिली वोल्ट, और R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
किसके कोड से लिया है यार? मेरे कोड से तो नहीं लिया है, मेरे कोड से लिया है क्या? तो आर की वैल्यू होगी बेटा 45 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुमित कुमार, यू हैव टेकन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्यू डेज अगो। तो अनअकैडमी पे यार बेटा ईएसई मेंस और नॉट? नहीं नहीं ठीक रहेगा ना, अनअकैडमी प्लस पे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पूरा थ्योरी पूरा न्यूमेरिकल सब हाथ से लिखाते हैं, यहाँ तक कि डायग्राम भी हम लोग हाथ से ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग हाथ से लिखाते हैं, सब कुछ जैसे क्लास में चलता है ना बेटा ऑफलाइन क्लास में वैसे ही चलता है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कोड किसी का भी लगाओ, मैं पूछ रहा हूँ किसके कोड से लिया? मेरे कोड से लिया था क्या तुमने? क्योंकि मुझे मेरे लेक्चर में आके पिंग किया है ना, तो मुझे नहीं पता ना। हाँ ओके, कोड किसी का भी लगाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने मेरे लेक्चर में आके मुझे पिंग किया है ना, तो मुझे लगा तुमने मेरा कोड लगाया होगा, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता ना, रोज तीन चार कोड तो लगते हैं, तो मैं ध्यान भी नहीं देता किसने करा है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, तो आप ईएसई मेंस के लिए भी कर सकते हैं और गेट के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना चलो, और ईएसई नॉन टेक्निकल भी चल रहा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएसई का नॉन टेक्निकल भी तो चल रहा है प्लस पर। कुछ और पूछना चाहते हो तो बता देना। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया यार? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? जस्ट गिव मी सम इमोजीज, सम लव, कुछ भी भेज दो यार, इमोजीज फटाफट फटाफट भेज दो कॉमेंट सेक्शन में, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। अगर यहाँ वी आर एम एस लोगे तो यहाँ वी आर एम एस लेना पड़ेगा, अगर यहाँ एवरेज लोगे तो यहाँ भी एवरेज लेना पड़ेगा, अगर यहाँ वीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ भी वीएम लेना पड़ेगा। मैंने वी एवरेज क्यों लिया इस पॉइंट पर? क्योंकि ये भी एवरेज है तो मुझे यहाँ भी एवरेज चाहिए। अगर करंट निकाल रहा हूँ एवरेज, तो वोल्टेज भी एवरेज चाहिए ना, तो मेरे पास करंट डीसी में था तो मैंने इसको भी वी एवरेज ही ले लिया। ठीक है क्लियर है गाइस? जल्दी से इमोजीज भेज दो फटाफट फटाफट, जिससे मुझे लगे फ्लावर्स भेज दो, कुछ भी भेज दो फटाफट से। चलो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबको क्लियर है। जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन फ्लावर, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन फ्लावर एंड प्रेस एंटर। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव स्टिल 10 मिनट्स लेफ्ट, वी कैन डू दिस। ओके राइट डाउन, राइट डाउन, दिस इज 2010, दिस इज 2010। यार वो फ्लावर्स ऐसे नहीं भेजते हैं, फ्लावर्स ऐसे नहीं भेजते हैं, देखो कमेंट सेक्शन देखो एक बार, फ्लावर्स ऐसे नहीं भेजते हैं, फ्लावर्स भेजने का तरीका होता है यार। हाँ देखो ऐसे भेजते हैं, तुम्हें तो फ्लावर्स भेजना भी नहीं आता। देखो प्रवीण सर ने टाइप कर दिया है पिंक टी शर्ट में, दिख रहा होगा तुमको। अब हंसने की जरूरत नहीं है, अब हंसना मत, मतलब तुम्हें बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी प्रवीण सर ही सिखाए, पढ़ना भी प्रवीण सर ही सिखाए, दुनियादारी भी प्रवीण सर ही सिखाए, बकैती करना भी प्रवीण सर ही सिखाए हैं। तुम्हें तो तुम मुझे लगा तुम लोग तो मुझसे ज्यादा समझदार होगे, पर तुम्हें तो कमेंट ही करना नहीं आता। तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीए कर रहे हो? अरे बीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो भाई? ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर अपना अपना जो मेरे में फ्लावर नहीं आ रहा, तो बेटा तुम तुम्हारा जो जो तुम्हारा जो कीबोर्ड है, मतलब जो तुम्हारा कीबोर्ड है जो, उसको अपडेट करो थोड़ा, मोबाइल को अपडेट कर लो। वैसे तो मोबाइल तुम्हारा पूरा भरा हुआ होगा, मोबाइल को अपडेट कर दो फिर आ जाएगा। मोबाइल को अपडेट करते रहा करो, तो मोबाइल में मोबाइल को थोड़ा खाली करो यार, मोबाइल को थोड़ा हल्का करो। मोबाइल में बताने तुमने क्या क्या भर रखा है। चलो क्वेश्चन देख लो, 2010 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो कैसे करेंगे। ये वापस आपको ऑप एम्प दे रखा है और चार डायोड दे रखे हैं। अब आप भूल जाओ, अब आप भूल जाओ कि ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, आप भूल जाओ एनालॉग का क्वेश्चन है, आप देखो यार ऑप एम्प दे रखा है और डायोड दे रखे हैं। अब क्या होता है, गेट का एग्जाम ऐसा थोड़ी कि मेजरमेंट का ही होगा, गेट का एग्जाम थोड़ी कि ऑप एम्प का ही होगा, क्वेश्चन तो मिक्स करके आएगा ना, क्वेश्चन तो मिक्स करके आएगा ना। तो ये हो गया मेजरमेंट प्लस ऑप एम्प का क्वेश्चन। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको दे रखा है, सप्लाई आपको इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रखी है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपको ग्राउंड दे रखा है, चार डायोड आपको लगा रखे फुल वेव रेक्टिफायर अरेंजमेंट में, और एक मीटर लगा रखा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में प्लस माइनस, एक मीटर लगा रखा है बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में प्लस माइनस, और यहाँ पे 10 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, अगर वीआईटी की वैल्यू, अगर क्वेश्चन क्या है, वीआईटी की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 1 sin 314 t वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में इनपुट दे रखा है 1 sin 314 t वोल्ट, और आपसे बोला है ऑप एम्प इज आइडियल एंड अज्यूमिंग द सोर्स इंपेडेंस ऑफ वीआईटी टू बी जीरो,
कोई दिक्कत नहीं है। एमीटर क्या इंडिकेट करेगा, इस मीटर में रीडिंग क्या फ्लो होगी, इस मीटर में रीडिंग क्या फ्लो होगी दोस्तों, एमीटर की रीडिंग चाहिए मुझे कितनी आएगी। और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली हो जाएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन है बेटा, डायोड्स के साथ में आपको मीटर का करंट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट इन द मीटर। जल्दी से बता दो मेरे भाई आंसर क्या आएगा। जल्दी से बता दो मेरे भाई आंसर क्या आएगा। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज एवरीबडी। सुमन चित्ते आंसर क्या आएगा बेटा बताओ। राज प्रजापति ऑप्शन नंबर सी। हाँ बेटा तुमने मुझे बता दिया 63.7, मैंने सुन लिया, एक बार चेक करते हैं, बाकी लोगों को बताने दो फिर मैं बताता हूँ। 63.7 एक बार चेकआउट करके मैं बताता हूँ, चेक करते हैं एक बार। रुको, वेंकट मंडाई ऑप्शन नंबर सी। एनीबडी एल्स इन द हाउस वांट्स टू आंसर दिस, एनीबडी एल्स इन द हाउस वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। Anybody in the house who wants to answer this question, guys? Anybody in the house who wants to answer this question? Okay, Harshit Pandey, option number C. Okay, C is the right answer. तो देखो यार बहुत आसानी है, ground है, ये भी क्या हो जाएगा, ground, virtual ground लगा दोगे। तो यहाँ पर जितना current flow होगा, वो कुछ ना कुछ current होगा, मान लो I। अब यही current, incoming, इस point पर incoming current is equal to outgoing current होगा, वही current इस diode में से flow होगा, इस मीटर में जाएगा और ऐसे फ्लो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जितना करंट इस 10 किलो ओम में बह रहा है उतना ही करंट मीटर में बहेगा नहीं बहेगा। द करंट इन द 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू द मीटर करंट। क्या बोल रहा हूं, करंट इन 10 किलो ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू द करंट इन एमीटर, इज इक्वल टू द करंट इन एमीटर। तो एमीटर का तो रेजिस्टेंस मुझे दे नहीं रखा, अरे मुझे पीएमएमसी का रेजिस्टेंस तो दे नहीं रखा, तो मैं करंट कैसे निकालूंगा ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रही बात, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, केसीएल लगा दो तो इस पॉइंट पर, तो आप बस ये वाला करंट निकाल लो। तो मीटर में तो डीसी करंट फ्लो होता है आपको पता ही है, तो आई क्या लिखोगे, आई लिखोगे आप वीआईटी डिवाइड बाय 10 किलो ओम, और ये जो करंट है ये वही करंट है जो यहाँ मीटर में भी फ्लो कर रहा है। तो बस आप इस 10 किलो ओम का करंट निकाल लो, आंसर आ गया, इस 10 किलो ओम का करंट निकाल लो आंसर आ जाएगा। तो आपको डीसी निकालना है, क्योंकि ये तो आरएम, ये तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है ना, तो आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे बेटा, I इक्वल्स टू वी आई टी क्या है 1 sin 314 t डिवाइड बाय 10 के। ये जो है ये आपको जो करंट दे रखा है, ये जो आपको दे रखा है ये इंस्टेंटेनियस है, क्या है इंस्टेंटेनियस, मुझे इसका निकालना है, ये वी आई टी दे रखा है आपको, मुझे चाहिए डीसी वैल्यू। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करो वी आई टी का बी एवरेज, इसका बी एवरेज निकालो सबसे पहले 1 sin 314 t, वी एवरेज निकालो कितना हो जाएगा फुल वेव के लिए 2 Vm/π, तो ट्वाइस Vm is 1 and pi, 2/π is the answer, okay? 2/π is the answer, तो I एवरेज क्या हो जाएगा, अगर ये देखो I इंस्टेंटेनियस निकाला तुमने क्योंकि ये वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस था, अगर I एवरेज निकालना है तो V एवरेज लिखना पड़ेगा, तो V एवरेज हो गया 2/π और यहाँ है 10 के, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 2/π into 10^-4, the answer is 63.7 into 10^-6, that is microampere. So option number C is the right answer. You can directly find this question because आपको यहाँ पे diode का resistance तो नहीं दे रखा क्योंकि ideal है, तो हमने मान लिया zero है, लेकिन emitter का resistance दोस्तों, emitter का resistance भी नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ से तो directly निकाल ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता पड़ गया incoming current is equal to outgoing current, तो जितना 10 किलो ओम का resistance है, जितना 10 किलो ओम में करंट है उतना ही करंट मीटर में फ्लो होगा, तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा। तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल कॉमन सेंस से आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूँ एक होमवर्क है। दूसरी बात यार, जितने भी बच्चे लाइव हो मैं बता दूं, एक बार अपन पूरा क्विज स्टार्ट करेंगे, अभी क्विज है, एक बार क्विज कर लेते हैं मेजरमेंट का, तो अगर आप लोग रेडी हो तो मैं एक क्विज लगा दूं आपको, 10 से 15 मिनट का क्विज है, और क्विज देना थोड़ा कंपलसरी है, बात समझ में आ रही है।
देना कंपलसरी है। मैं अभी आपको सेशन शेयर कर देता हूँ, मैं आपको कोड शेयर कर देता हूँ एक क्विज क्रिएट करके। मैं आपके लिए क्विज क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्विज क्रिएट कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्विज, मैं कोड आपको बता रहा हूँ, क्विज में जरूर आ जाना यार, क्विज जरूर अटेंड कर लेना। और क्विज के लिए जो आईडी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्विज के लिए जो आईडी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्विज के लिए जो आईडी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, और क्विज देना बहुत कंपलसरी होता है यार, 10 क्वेश्चन का क्विज है, 30-30 सेकंड में आपको आंसर देने, फटाफट फटाफट आंसर दे देना, ठीक है। चलो तो मैं आपको जल्दी से शेयर कर रहा हूँ, 2 सेकंड रुको, 2 मिनट में शेयर करके आपको दे रहा हूँ। तो आई एम जस्ट होस्टिंग अ क्विज, अभी आपके पास क्विज आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मेजरमेंट का क्विज है, मेजरमेंट का क्विज है बच्चों, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन का क्विज अपन लोग ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन का क्विज अपन लोग ले रहे हैं, और हर क्वेश्चन के लिए अपन 40 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, तो आप आराम से कर लोगे, 40 सेकंड का टाइम ले रहे हैं और आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना, फटाफट से मैं लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे आ जाओ, अनअकैडमी ऐप पे आ जाओ, कोड में आपको बता रहा हूं, कोड है बेटा, कोड में आपको बता रहा हूं, जैसे एक बार स्क्रीन पे देख लेना, कोड देख लेना, कोड है 475793। तो जितने भी मेरे YouTube के बच्चे हैं, कोड याद कर लो बेटा, 475793। ये क्विज अभी स्टार्ट होगा 12 बजे, 3 मिनट है क्विज स्टार्ट होने में, 475793 इज द क्विज आईडी, ठीक है, 475793 ये क्विज आईडी है आपका। इस पे आ जाओ और फटाफट से क्विज दे दो, इस पे आ जाओ और फटाफट से क्विज दे दो यार। चलो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ, फटाफट से आ जाना। मैं टेलीग्राम पे भी डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 12 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे लाइव लर्नर ज्वाइन होते जाएंगे मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगा। और क्विज का आईडी क्या है, 475793, 475793 इज द आईडी गाइस। देखो मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 475793 इज द क्विज आईडी, 475793 इज द क्विज आईडी गाइस, 475793 इज द क्विज आईडी। इसको फटाफट से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, जल्दी से बेटा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, जल्दी से अनअकैडमी ऐप, अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो फटाफट से डाउनलोड करो यार, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप और यहां पर आके क्विज को दे दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन क्विज करना है, ज्वाइन क्विज करना है, और आईडी का कोड क्या लगाना है, 475793। मेजरमेंट का क्विज है 10 क्वेश्चन का, मेजरमेंट का क्विज है 10 क्वेश्चन का, और मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ, जस्ट कम गाइस, देयर विल बी अ क्विज इन जस्ट 2 मिनट्स, आई विल बी स्टार्टिंग अ क्विज इन 2 मिनट्स, जस्ट कम लाइव, जस्ट ज्वाइन द क्विज गाइस एज फास्ट एज पॉसिबल, जल्दी से क्विज ज्वाइन कर लो मेरे दोस्तों, जितने भी लोग लाइव है, 475793। और ये क्विज अनअकैडमी ऐप पे होगा, मैं यूट्यूब से स्ट्रीम बंद कर दूंगा, यूट्यूब से स्ट्रीम बंद करने वाला हूं मैं, और क्विज आपका होगा सिर्फ अनअकैडमी ऐप पर, क्विज आपका होगा बच्चा अनअकैडमी ऐप पर, 475793 इज द आईडी, 475793 इज द आईडी गाइस। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, 475793 इज द आईडी, फटाफट से जल्दी से ज्वाइन करो यार, अभी तक 5 लोगों ने ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन करो यार, 5 लोगों ने ज्वाइन किया, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, मैं क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्दी से ज्वाइन करो, यूट्यूब से चले जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यूट्यूब की स्ट्रीम वैसे भी बंद कर दूंगा फटाफट से,
और जल्दी से लाइव आ जाओ अनअकैडमी ऐप पर। और क्विज की आईडी है 475793। दोस्तों जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। मेजरमेंट का क्विज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। जल्दी जल्दी यार, 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 11 जल्दी जल्दी ज्वाइन करो फटाफट फटाफट। वी वॉन्ट मोर लाइव लर्नर्स टू ज्वाइन हियर। जल्दी से ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्विज स्टार्ट होने वाला है 2 मिनट में। क्विज स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट में, जल्दी से स्टार्ट करो। 475793 इज द क्विज आईडी दोस्तों। चलो 12:03 पे मैं स्टार्ट करूंगा, 12:03 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, 12:01 हो रही है। जल्दी से क्विज पे लाइव आ जाओ यार, जितने भी लोग लाइव लर्नर हो फटाफट से। 475793 इज द क्विज आईडी। चलिए तो फिर मैं यूट्यूब की स्ट्रीमिंग स्टॉप कर रहा हूँ, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग जो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ दोस्तों। और 10 मिनट का क्विज है, फटाफट से आप लोग आ जाओ। 10 क्वेश्चन है क्विज में, मैं यूट्यूब की स्ट्रीम स्टॉप कर रहा हूँ और फटाफट से आप लोग लाइव आ जाओ, ठीक है ना, क्विज के अंदर। एंड दी आईडी इज 475793। ओके, दिस इज प्रमित लवास। सो जितने भी लोग लाइव उनको बता दूं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू दोस्तों सेशन को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आई एम स्टार्टिंग द क्विज नाउ, द क्विज हैज स्टार्टेड, जल्दी से आ जाओ। तो क्विज स्टार्ट कर दिया है मैंने वहां पर, ठीक है, चलो क्विज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज प्रमित लवास साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब क्रिएटर्स चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। सो जल्दी से अनअकैडमी आप लाइव पे आ जाओ, ठीक है, चलो अनअकैडमी लाइव पे आ जाओ फटाफट से। सो लेट्स क्रैक इट, क्विज स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, चलिए।